Subscribe now and click the bell icon for never miss an update. हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो के अंदर। तो गाइस, बहुत दिन पहले हमने डीप लिंक के ऊपर वीडियो बनाया था। मैंने आपको बताया था कि कैसे आप खुद के लिए डीप लिंक एक्सटेंशन डेवलप कर सकते हो एपी बिल्डर कोड एडिटर के अंदर, लेकिन वो बहुत दिन पहले बताया था। तो अभी जो एपी बिल्डर का जो कोड एडिटर है वो वेबसाइट अभी ओपन नहीं होता, वो बंद हो गया है, ठीक है। लेकिन गाइस, डीप लिंक को बनाने के लिए गाइस, यहाँ पर डीप लिंक का कोई ब्लॉक नहीं होता। यहाँ पर आपको डीप लिंक एक्सटेंशन के अंदर जावा कोड की मदद से ही खुद से इंप्लीमेंट करना होगा, नहीं तो आपका डीप लिंक जो है वो नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा, तो इसी वजह से आपको खुद को एक्सटेंशन को डेवलप करना होगा। इसके लिए जो भी प्रोसेस है वो मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखना, प्रोसेस को एक बाई एक देखना, क्योंकि जावा के अंदर अगर आप छोटा सा भी एक माइनर सा भी चेंज अगर आप कर दोगे, कुछ गलती कर दोगे तो एरर आएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, तभी डीप लिंक सिस्टम अपने एप्लीकेशन के अंदर मतलब एक्सटेंशन क्रिएट कर सकते हो ना, अपने एप्लीकेशन के अंदर उस चीज़ को लगा सकते हो। और बहुत सारे डिवाइसेस के अंदर डीप लिंक क्रैश भी कर रहा था, लेकिन जो मैं जावा कोड आपको यहाँ पर दूंगा तो उससे क्रैश भी नहीं करेगा, अच्छे से चलेगा। मेरे पास एक एंड्रॉयड 12 का डिवाइस है, तो वहाँ पर भी ये अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो चलो चलते हैं, कैसे क्रिएट करना है ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये जो चीज़ एक्सटेंशन हम क्रिएट करेंगे वो है नाइट्रॉन कोड एडिटर के अंदर क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं nitron.com। तो nitron.com सर्च करेंगे तो ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पर आप ऊपर क्रिएट ऐप पर क्लिक करना है। देन जब आप क्रिएट ऐप पर क्लिक करोगे, अगर आपने लॉग इन या साइन अप कर लिया है तो ऑटोमेटिक आपको रिडायरेक्ट करवा देगा, ठीक है, आपके प्रोजेक्ट के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हो। नहीं तो आपको लॉगिन करना होगा एंड आपका जो भी डैशबोर्ड है वहाँ पर ये रिडायरेक्ट करवा देगा। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे जहाँ पर भी आपको रिडायरेक्ट करे, लेफ्ट साइड पे आपको एक्सटेंशन IDE बोल के एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। नहीं तो मैं ये जो IDE.nitron.com इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा डायरेक्ट, आप वहाँ पर जाके भी कर सकते हो डायरेक्टली। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर दो चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है गाइस, एक भी गलती यहाँ पर मत करना। सबसे पहले आपको आपका प्रोजेक्ट का नेम देना है, जो मैं दे रहा हूँ नेम वो सेम टू सेम गाइस यहाँ पर देना है। मैं दे रहा हूँ गाइस DEEP and LINK। देखो गाइस, जैसा मैंने सेम टू सेम दिया ठीक वैसा ही आपको सेम टू सेम ही देना है। अगर आपने गलती कर दी यहाँ पर तो एरर आएगा, तो इस बात को ध्यान में रखना। उसके बाद पैकेज नेम क्या देना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पैकेज नेम के अंदर भी मैं जो दे रहा हूँ सेम टू सेम वही देना। देखो com.applepad.deeplink, ये लिंक, ये पैकेज नेम ही आपको देना है, नहीं तो एरर आएगा, इस बात को ध्यान में रखना। उसके बाद आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन आप जब कंटिन्यू करोगे देन यहाँ पर आपके पास एक जो कोड एडिटर है वो ओपन हो जाएगा, ओके। देन आपको क्या करना है मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ गाइस। सबसे पहले आप गूगल पे जाओ एंड एक कोड एडिटर जो है वो ऑनलाइन कोड एडिटर उसको सर्च कर लो। जैसे कि मैं सर्च करता हूँ ऑनलाइन कोड एडिटर, ठीक है, एंड मैं इंटर करता हूँ। एंड जो भी पहला वेबसाइट आपको मिलेगा उस वेबसाइट पे चले जाओ एंड यहाँ पर आपको आपका जो भी कोड है उसको एडिट करना होगा। कैसे एडिट करना होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। जो भी कोड है यहाँ से डिलीट कर दो, मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ब्राउज़र को, ओके। नाउ गाइस, अब हम क्या करेंगे, मैं एक कोड आपको नीचे दे रहा हूँ, ठीक है, मैं ये जो कोड है ये जावा कोड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा, आप कॉपी कर लेना। कहाँ से कॉपी करना है, देखो यहाँ पर ये जो पैकेज नेम है, ठीक है, इस पैकेज नेम को छोड़ के ये जो इनपुट है यहाँ से लेके जो भी कोड आपको मिलेगा उन सभी को कॉपी करना है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एंड देन इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद जो भी कोड एडिटर हमने खुला है उसके अंदर पेस्ट कर दो, क्योंकि गाइस यहाँ पर कुछ चीज़ हमको यहाँ पर एडिट करना होगा, तो वो एडिट गाइस नाइट्रॉन एडिटर के अंदर प्रॉब्लम करता है। तो इसी वजह से मैंने बोला, इसलिए बोला कि कोई भी एक ऑनलाइन कोड एडिटर ओपन कर लो और वहाँ पर आपको एडिट करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको डीप लिंक के लिए आपको खुद का जो भी URL है उसको तो सेट करना पड़ेगा। तो वो आप कैसे करोगे आप वो देखो। तो यहाँ पर देखो, सॉरी, यहाँ पर कुछ इनपुट्स है,
देन यहाँ पर डिजाइनर कंपोनेंट ये सब कुछ चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मेरा माउस कर्सर जहाँ पर है, ठीक है, वहाँ पर आपको जाना है। जैसे कि मैं राइट साइड पे जाता हूँ, ये देखो मैं जा रहा हूँ राइट साइड पे, एंड आपको योर वेबसाइट डॉट कॉम वाला जो भी URL डालने का ऑप्शन है वो आपको ढूंढना है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो HTTPS है, उसके बाद होस्ट के अंदर आपका वेबसाइट का लिंक डॉट कॉम यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर इसके अंदर आपको आपका वेबसाइट का जो URL है वो देना होगा। मैं मान लो यहाँ पर गूगल का लिंक दूंगा, सिंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये होता है गाइस क्या, गूगल का लिंक। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, एंड मैं क्या करता हूँ इसको इस ये मान लो आपका वेबसाइट है गूगल डॉट कॉम, मान लो आपका वेबसाइट है, जो भी आपको स्लैशेस मिलेंगे उन सभी को यहाँ से रिमूव करना है, एंड HTTPS को, एंड साथ ही साथ www. को भी आपको यहाँ पर रिमूव करना है। इस बात को ध्यान में रखना। देन यहाँ पर जो भी आपका वेबसाइट मिलेगा, आपका वेबसाइट डॉट इन हो सकता है, डॉट कॉम भी हो सकता है, जो भी है वो उस वेबसाइट को आपको यहाँ पर डालना है ऐसे करके। ठीक है, देन इसी जो आपका वेबसाइट है इस वेबसाइट को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास एक और जगह आता है जहाँ पर HTTPS दिया गया है, साथ ही साथ www. के साथ आपका वेबसाइट का URL आपको यहाँ पर देना होगा। ठीक है, यहाँ पर चार URL आपको चेंज करना होगा, देख सकते हो। एक हमारे पास हो गया HTTPS Google.com, और एक हमारा हो गया HTTPS www.google.com। उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आएगा HTTP P। ठीक है, पहले HTTPPS था लेकिन अभी HTTP P है, उसके बाद आपका वेबसाइट का लिंक डॉट कॉम, ठीक है, जैसे कि गूगल डॉट कॉम, उसके बाद फिर से HTTP P, उसके बाद www. है, देन आपको आपका वेबसाइट के URL यहाँ पर डालना होगा। ठीक है, ध्यान से ये प्रोसेस देख लो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा घुमा के देख लो। टोटल चार जगह पे आपको चेंज करना होगा। एक है इधर HTTPS Google.com, एक और है यहाँ पर HTTPS www.google.com, और एक होगा यहाँ पर HTTP P Google.com, उसके बाद HTTP P www.google.com। ये चार जगह पर आपको चेंज करना है। देन क्या करना है, यहाँ पर जो भी कोड आपने इस कोड एडिटर के अंदर ओपन किया है उसको सबको क्या करना है, कॉपी करना है, A to Z कॉपी करना है, यहाँ से लेके ये इनपुट तक सबको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप आपको जाना है नाइट्रो नेटवर्क के अंदर, एंड यहाँ पर नाइट्रो नेटवर्क के अंदर इनपुट से लेके जितना भी डाटा है उन सभी को यहाँ से रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद आपने जो कोड अभी कॉपी किया है उसको पेस्ट करना है। ओके, दैट्स इट। तो यहाँ पर देखो गाइज, जो भी हमारा कोड है वो लग चुका है। अभी देखो यहाँ पर जो प्रॉपर तरीके से जो भी हमारा कोड है वो नहीं दिख रहा है, इसी वजह से मैंने आपको बोला कि कोई एक ऑनलाइन कोड एडिटर ओपन करो एंड वहाँ से एडिट करके नाइट्रन के अंदर डाल दो, एंड यहाँ पर आपको सिंपली सेव करना है, एंड सेव करने के बाद यहाँ पर कॉम्पाइल एक्सटेंशन करना। तो जब यहाँ पर कॉम्पाइल एक्सटेंशन करोगे तो यहाँ पर प्रोजेक्ट जो कॉम्पाइल होना शुरू हो जाएगा, एंड यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो गाइज यहाँ पर जो डीप लिंक है वो आ चुका है। अभी मैं इसको सेव कर लूंगा यहाँ से। ओके, हमने यहाँ पर सेव कर लिया इसको। ओके, अभी हम चलते हैं कॉड्यूलर के अंदर एंड इसको इनपुट कर लेते हैं यहाँ से एक्सटेंशन, इनपुट एक्सटेंशन, एंड मैंने इसको यहाँ पर रखा था जैसे कि आप देख सकते हो ये डीप लिंक। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, इनपुट कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर गाइस जो गाइस ये इनपुट हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हो। ओके, एंड यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपका डाटा है बोल रहे हो, अगर गेट स्टार्ट वैल्यू के अंदर आपका जो डीप लिंक का जो डाटा है वो आएगा तो आप यहाँ पर एक कंडीशन लगा सकते हो, ये गेट स्टार्ट वैल्यू, गेट स्टार्ट वैल्यू आपको कंट्रोलर पे जाकर मिलेगा, गेट स्टार्ट वैल्यू, गेट स्टार्ट वैल्यू इज इक्वल टू NET। ठीक है, देन आप कुछ ना कराओ, आप ऐसे भी लिख सकते हो नॉट एम्प्टी, अगर गेट स्टार्ट वैल्यू के अंदर कुछ आया है देन वो गेट स्टार्ट वैल्यू लेबल टेक्स्ट के अंदर स्टोर होना चाहिए। ठीक है, जो भी हमने यहाँ पर लेबल लिया, आप जो भी काम करना चाहते हो वो आप कर लेना। तो ऐसे ही तरीके से आप इस चीज को कर सकते हो, ये डीप लिंक सिस्टम को लगा सकते हो, ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा, मैंने आपको डेमो भी दिखा दिया। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आएगा वीडियो को लाइक करना, साथ ही चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।